are in Jhansi Medical College where fire incident took place in NSU and 10 of the newly born babies deceased because of that. We have some eyewitnesses with us who were there at the time when this whole incident took place. What exactly has happened, we'll just get to know. We will learn from them what exactly has happened. क्या हुआ था भाई? हाँ साहब, ये कि उनने दूध पीने के लिए हमें बुलाया कि बच्चों को दूध पिलाना है, तो हम अंदर गए बाढ़ के अंदर, तो वहाँ से एक नर्स दौड़ती हुई आई, बोले अंकल बचाओ, बच्चों में आग लग चुकी है। तो हमने जब देखा कि उसमें स्वयं में आग लगी थी एक पैर में, तो वो नर्स बाहर निकल आई, दो नर्सें और थीं, उनने भी बच्चों को बचाया और करीब 20 बच्चों को हमने बचाया। जब आगे के गेट पे आग लग चुकी थी, फिर हमने पीछे की गैलरी से ये जाली तोड़वा के और यहाँ से 6 बच्चे और निकाले थे। आप लोग बता रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे थे? हाँ, उनने यूज किया लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। पिन निकाली, उसको दबाया लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। एक्सपायर थे। और क्या हुआ, आप लोगों ने शोर मचाया यहाँ? शोर मचाया हमने, जब हम अंदर थे तो हमने शोर मचाया कि बच्चों को ले लो और इसमें आग लग चुकी है। तो जब जनता अंदर पहुंची, जो गार्जियंस थे, तो हमने अंदर से बाहर बच्चों को दिए, फिर उन लोगों ने पकड़े, पर जिसका जैसा हो ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, कौन किसी का ले गया, कोई किसी का ले गया, ये हुआ, निश्चित हुआ। ये हुआ साहब, उसमें ये तो है नहीं पता कि ये आपका है कि ये किसका है। हम तो वहाँ से लेके दे रहे थे ऐसे कि भाई बाहर कर दो, बच्चे तो बच जाए कम से कम। उस समय जो जिसके बच्चे हाथ में आए वो ले गए उनको इलाज? हाँ, वो ले गए। अब बच्चे किसके हैं, कैसे हैं, ये जानकारी नहीं है। और जितने बच्चे इस मेडिकल में आए, इसमें भर्ती कराए थे इमरजेंसी में, उन बच्चों की भी साहब जानकारी नहीं है कि ये बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि 12 घंटे में दूध पिलाना पड़ता था, 2-2 घंटे में। तो उन बच्चों को दूध कौन पिला रहा है, उनके माँ बाप से नहीं मिल रहे हैं, ना कोई अधिकारी सामने आ रहा है, ये एक और ये संदिग्ध अवस्था है सब। आपका पोता आपको मिला? मिला सर। आपने बाहर इलाज? जी। यू कैन सी ही इज वन ऑफ द आई विटनेस हु वॉज देयर एट द टाइम व्हेन दिस फायर इंसिडेंट टुक प्लेस। ही वॉज टेलिंग अस हाउ द फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स वर नॉट वर्किंग व्हेन दे टुक आउट द पिन एंड दे वर ट्राइंग टू यूज द सिलेंडर्स टू put down the fire, but they were not working. And many of the newly born babies, they were just trying to save their life, and whosoever was there was trying to save their life, and because of this many of the babies were with some other people also. With cameraman Deepak Abhishek Singh from Jhansi for Rani Lakshmibai Medical College in Jhansi, where this fire incident took place and 10 of the newly born babies lost their life because of this fire. We have some eyewitnesses over here, some parents whose children are missing. They are trying to identify their children, but they are not getting any of the information yet now. आप थे वहाँ पर जब ये सब कुछ हुआ? जब सर मैं तो नहीं था, बस मुझे कॉल किया गया था, मेरे परिजन थे, इनने कॉल किया तब मैं। कौन भर्ती था? मेरा मतलब मेरी साली लगती है, इनका बेटा था, 20 दिन का बेटा था, वो भर्ती था। घर में तो बहुत खुशी है सर, खुशी किसको नहीं होती है, बेटा होता है, बच्चे होते हैं, किसको खुशी नहीं होती, हर किसी को होती है सर। 10 तारीख से भर्ती किया, पहली बार तो इनने कोई कुछ अपडेट नहीं देते यहाँ के। हुआ क्या था ये बताइए, आप पहुंचे यहाँ भागते हुए? भागते हुए पहुंचे थे, उस टाइम मतलब कुछ बच्चे निकल चुके थे और कुछ बच्चे उसमें अंदर थे, जो अंदर थे वो बिल्कुल मृतक निकले थे, जले हुए निकले थे, क्योंकि आग बहुत तेज थी। आग बुझाने की कोशिश हो रही थी फायर एक्सटिंग्विशर से सिलेंडर? यहाँ के कुछ सिलेंडर कुछ नहीं काम कर रहा था, फायर ब्रिगेड आई थी, उससे काबू पाया गया था आग पे। बाकी यहाँ का स्टाफ मदद कर रहा था? इस जहाँ का स्टाफ था ही नहीं, स्टाफ तो जब आया था, जब फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी, पुलिस प्रशासन आ गया था, अंदर का स्टाफ, अंदर का स्टाफ भी भाग गया था। अंदर कितना स्टाफ था, 2 नर्स थी, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, बस इतने ही लोग रहते हैं यहाँ पे। आपकी साली लगती हैं, बदहवास हो गई हैं, बात नहीं कर पा रही हैं। यू कैन सी देयर वाज अ टाइम व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट एंड व्हेन शी गेट टू नो शी हैज बीन गिफ्टेड बाय अ बेबी बॉय and what happened, this is the situation, they are not getting any kind of information. आपकी बेटी है ये? हाँ सर। क्या हुआ था जब ये सब हुआ, आप थी वहाँ पर जब हुआ? हाँ। क्या औरत सब लोग भाग रहे थे, किसी और का बच्चा कोई और लेके भाग रहा था?
ये कोशिश कर रहे थे निकालने की कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बचाए, कोई ये नहीं सोचा था हमारा है कि इसका है। निकाले बच्चे तो 10-15 बच्चे हमारे लड़के ही नहीं निकाले, जितने भी निकले उतने दे रहे थे बच्चे। जो जितने भी परिजन खड़े थे, जिसके हाथ में जिसका बच्चा जा रहा था वो लेता जा रहा था, किसी का भी बच्चा कोई भी ले रहा था, ये नहीं दिख रहा था कि किसका बच्चा कौन सा है, उस टाइम पे ये नहीं देख रहे थे। हो सकता है हमारा बच्चा भी था, क्योंकि उसके नाम पे ऊपर नाम की चिट रहती है, तो किसी ने देखा तो उसमें मेरी लड़की का नाम था नैंसी, तो एक ने बोले आप टेंशन नहीं लो आपका बच्चा सही है, लेकिन हमारा बच्चा सही है तो मिलना तो चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। नहीं कुछ पता नहीं किसके पास, जे भी नहीं पता चल रहा है किसके पास है। अब ऊपर वाले से दुआ कर सकते कि बस सही सलामत मिल जाए हमारा बच्चा। You are just listening to them that what they are saying they are not getting any information about their baby, they are just praying to God that he should be safe, in whose hand, in anybody's hand he is at that time, and there was a situation of stampede, there was a situation at that time when this fire took place, and everybody was trying to save every baby's life. With cameraman Deepak Abhishek Singh from Jhansi for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.